हेयर इज़ अ डाइटिशियन पूजा, और आज हम जानने वाले हैं कि हम अपना वेट कैसे बढ़ाएं। किसी की बहुत बड़ी समस्या होती है, जैसे कि जिनको वेट लूज़ करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो ऐसे ही कुछ पीपल होते हैं, स्किनी पीपल्स होते हैं, जिनको वेट बढ़ाना बड़ी मुश्किल समस्या होती है उनके लिए, क्योंकि हम जो वेट बढ़ाना या घटाना जो है डायरेक्टली लिंक करता है हमारे एनर्जी इनटेक पे। लेकिन कभी कभी कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अगर हम निगलेक्ट करते हैं उनको, तो हमारा अगर एनर्जी इनटेक भी उतना है जितना हम वेट लूज और गेन के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उनको अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो वेट है वो बढ़ नहीं पाएगा या घट नहीं पाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका जो वेट घटाना जो है वो थोड़ा आपको मुश्किल कर देगा। सेम उसी तरह अगर आपका बहुत ही कम वेट है, आप मालनरिश है, जैसे कि एक आइडियल बीएमआई आपका होना चाहिए उतना नहीं है, आप मालनरिश हो, उससे कम आपका वेट है, तो आपको एक तो एनर्जी इंटेक आपका कम है, या फिर इट में भी आपका कुछ आपका इन्फेक्शन, छोटा बहुत इन्फेक्शन आपके शरीर में हो सकता है, कुछ विटामिन्स की कमतरता से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि विटामिन बी12 है, या इस तरह बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी की वजह से भी आपका जो वेट गेन है वो नहीं हो पाता है। तो आप हम आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि हम अपना वेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको नेट पे कई वीडियोज़ मिल जाएंगे कि ये चीज़ खाओ तो आपका वेट एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ भी एक इंडिविजुअल फैक्टर जो है वो काम नहीं करता है। हमें ओवरऑल अपने बॉडी पे पूरा ध्यान देना है, फोकस देना है। अब किसी भी वेट लॉस या वेट गेन की जर्नी में होते हैं तो हमें ये ऑल इश्यूज़ जो है वो कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्यूरेटली आपको बताऊंगी कि आपको वेट गेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं, वेट गेन या फिर वेट लॉस के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो है आपका रियल वेट कितना है और आपका एक्सपेक्टेड वेट कितना होना चाहिए। जैसे कि आरडी के अनुसार आप किस एज के हो और उस एज में आपका वेट कितना होना चाहिए आइडियल, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है लेकिन बहुत ही कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा है, ये तो है, आपको हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपेक्टेड वेट है उससे आप कंपेयर कीजिए अपना जो रियल वेट है, और उस हिसाब से देखिए कि आपको कितना वेट आप कम करना है आपको, या फिर कितना वेट आपको बढ़ाना है उसको, जितना आपको हेल्थ गुड हेल्थ अचीव करने के लिए आपको कितना जो वेट है वो आपको बढ़ाना चाहिए। पहली जो स्टेप है ये है कि आप पहले, यही है आपकी पहली स्टेप कि आपको पहले एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि आपको कितना वेट आपको बढ़ाना है या घटाना है वेट लॉस या वेट गेन के लिए। तो दूसरी जो स्टेप है वो है हमारा जो खाना होता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली जो 2200 किलो कैलोरी जो होती है एक मेल एडल्ट की होती है, 20 के बाद में जो भी होते हैं उनकी जो है 2200 किलो कैलोरीज पर डे का हिसाब उसका होना चाहिए कैलोरी इनटेक। लेकिन आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उससे आप 500 माइनस कर लीजिए, या फिर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप उसमें 500 कैलोरीज इंक्लूड कीजिए। जैसे कि आपको 1 kg वेट बढ़ाने के लिए आपको 7700 किलो कैलोरीज लेना दिन की बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर दिन 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते जाओगे, जितना कि आपके बॉडी की जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जितना आपको चाहिए बॉडी के लिए पर डे के, आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, जो भी आपका सुबह से शाम तक जो रूटीन है उसके लिए आपको 2200 किलो कैलोरी चाहिए एक सेडेंटरी मेल एडल्ट के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से आपका वेट बहुत कम है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, हम अब बात करेंगे वेट गेन पर। तो अगर आपका वेट अगर बहुत कम है तो आपको 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा की पर डे के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, 500 आप अगर डेली की 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज लोगे तो आपको एक हफ्ते में आधा किलो वेट बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आप मतलब न्यूट्रिशनली फिट होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जैसे कि बाकी जो विटामिन्स है उसकी कमी आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे अभी कि आपको मतलब आप ऐसे स्किनी है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, अभी इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स वैसे हैं तो आप भी वैसे बन चुके हैं, तो ये जेनेटिकल फैक्टर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपका लो अपेटाइट है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो लो अपेटाइट होना इसका मतलब है कि आपको कुछ विटामिन्स की कमी हो सकती है, जैसे कि आपको विटामिन बी12 की कमी हो सकती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके शरीर में छोटा सा इन्फेक्शन भी हो सकता है।
क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है जो छोटा मोटा हो लेकिन आपको दिखता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि जो भी वेट लॉस की जर्नी में या फिर वेट गेन की जर्नी में जाते हैं, सबसे पहले जो है अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। और ब्लड टेस्ट का क्या फ़ायदा है, हर आदमी ने अपना 20 के बाद, 20 साल के बाद, मतलब 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ब्लड टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई या नहीं है, मतलब अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो सडनली हमें जो अटैक आता है, सडनली कोई हेल्थ इशूज़ हमें हो जाते हैं, तो वो हमें एक सरप्राइजिंग नहीं रहेगा, वो हमें पहले ही पता रहेगा। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड टेस्ट से क्या पता चलेगा कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, जैसे कि आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आप ये सब कवर कर लेते ना, तो आपका जो वेट गेन है वो ईजिली हो सकता है, या फिर वेट लॉस जो है ईजिली हो सकता है। आप कैलोरी इनटेक तो कर लेते हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। अगर इन्फेक्शन है तो आपको उतना, मतलब इन्फेक्शन में पता है आपको फीवर अगर रहता है तो हमें एक्स्ट्रा की 13% कैलोरीज एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ता ही है। और सेम उसी तरह अगर आप खाना एक्स्ट्रा भी लोगे, अगर अंदरूनी ये जो करेक्शन है आप नहीं करोगे, तो आपका वेट लॉस या फिर वेट गेन में आप बहुत मुश्किल आपको आ सकती है। तो थर्ड स्टेप है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका अपेटाइट क्यों लो है। उसके लिए तो मैंने बताया कि आपको पहले ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो ये बहुत सोने पे सुहागा हो सकता है। आप पहले वो डेफिशिएंसी आप करेक्ट करोगे, उसके बाद में आप वेट गेन या वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कभी कभी वेट गेन और वेट लॉस जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। आफ्टर 30 लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ में जो हार्मोन्स होते हैं इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी वजह से रिजल्टन आपको वेट गेन या वेट लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल हार्मोन की टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या हार्मोन्स में आपकी क्या गड़बड़ी है, जिससे आपका जो हार्मोन है बैलेंस भी हो सकेगा और आप न्यूट्रिशनली फिट भी रह सकते हैं। वेट लॉस और वेट गेन की जर्नी में आपके बहुत सहायक होगा। आप अपनी स्टमक की टेस्ट भी कर सकते हैं, घर पर ही है, सिंपल है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट करूँगी, ज़रूर देखिएगा, अगले वीडियो उस पर ही रहेगा। तो ये अलग से जो फैक्टर्स है, इस पर भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका वेट जो गेन है वो सेफ लेवल में आपको वेट गेन करना है। अगर आप एंटी न्यूट्रिशन जैसे कि हाई सोडियम फूड्स खाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में आप अगर प्रोटीन रिच खाना खाओगे, तो ये भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जितना आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, उतना आपकी किडनी पर प्रेशर आएगा और आपकी एक सडन पॉइंट आएगा कि आपकी किडनी जो है फेल हो सकती है, या फिर आपको पथरी भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आपका जो सही अमाउंट होता है प्रोटीन का, जैसे कि नॉर्मल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो 0.8 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। लेकिन अगर आप जिम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 1 ग्राम पर केजी वेट आप प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, किडनी में प्रेशर आ सकता है और किडनी फेल भी हो सकती है। इसीलिए एक आपने अपना डाइट प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर आप जितना क्वांटिटी सेफ लेवल होता है प्रोटीन का उतना ही कीजिए। अगर आप जिम करते हैं तो ही आप एक्स्ट्रा में प्रोटीन पाउडर या फिर ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला फूड आप ले सकते हैं। अब दूसरा है कि अगर आपको, जैसे वेट गेन के लिए भी बताते हैं कि आप खाते जाओ, लेकिन मैं बोलती हूँ आपको कि आप अपनी भूख को देखो और उसको भूख को बढ़ाओ। जितना आपकी भूख बढ़ेगी, उतना आपका कैलोरी खाना, मतलब हाई कैलोरी डेंस फूड खाना आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको भूख भी नहीं है फिर भी आप खा रहे हो, तो फिर आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, तो उससे उल्टा आप दूसरे दिन आप कम खाना शुरू कर दोगे। इसीलिए पहले आपको भूख भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगर भी मैंने बताया, वो भी आप ले सकते हो, या फिर आपकी जो भूख की सिरप भी है वो भी आप ले सकते हो डॉक्टर से परामर्श करके, जिससे कि आपको भूख बढ़ेगी और आपका एनर्जी इंटेक भी अच्छा रहेगा। हैं जहाँ वहाँ भरे पड़े हैं वीडियोस में, पोस्ट में, कि आप एक चीज़ खा के अपना वेट लॉस या वेट गेन कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। कोई भी एक चीज़ वर्क नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ किसी किसी के बॉडी में वर्क करती है। तो उन्होंने हमने अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। हमारी बॉडी अगर हम कहती है कि किसी किसी को आप देखोगे कि अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें, गर्म चीज़ें खाने से उनको बहुत गर्मी हो जाती है, या फिर रिजल्ट उनको उनकी हेल्थ इशूज़ और बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा आप गर्म चीज़ें दोगे फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने सुनना चाहिए। जैसे कि अगर हम जीरा पानी लेते तो किसी किसी का हीमोग्लोबिन हाई हो जाता है,
वेयरएज किसी दूसरे पर्सन को वो हीमोग्लोबिन डाउन भी करा सकता है। तो हमें ये भी फैक्टर देखने को मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बॉडी में इसका क्या रिएक्शन हो रहा है। सेम उसी तरह अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो तो अगर ये डायरेक्टली हमारे फैट लॉस में लिंक नहीं करता, ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा बनाता है जिससे कि हमें अच्छी भूख लगती है। लेकिन अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हम हमारा जो पोर्शन कंट्रोल हम रखते हैं, जितना हमें खाना चाहिए हम उतना ही खाते हैं। लेकिन अगर हम वेट गेन के जर्नी में होते तो हमें थोड़ा ज़्यादा इंटेक करना है, उसके लिए हमें भूख बढ़ाने के लिए हम एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं या फिर जीरा पानी भी हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी भूख जो है खुलेगी। या फिर सिंपली अगर आप मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बढ़ाओगे तो उससे भी आपकी भूख खुल सकती है। लेकिन अगर ये सब करके भी आपकी अगर भूख नहीं बढ़ रही है तो ये मे बी आपका स्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस से भी आपकी अपेटाइट जो है स्लो हो सकती है। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपके हेल्थ इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तो फर्स्टली जो है स्ट्रेस को भी आप मैनेज करना सीखिए। पहले आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर लीजिए, उसके बाद में अपना वेट लॉस और वेट गेन की जर्नी जो है आप स्टार्ट कर लीजिए। जितना आप प्रोटीन अगर आप ज़्यादा लेते हो तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपका जो है किडनी पे प्रेशर बहुत आएगा और ये प्रॉब्लम किडनी से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। इसलिए जितना आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो उतना अपना वाटर इंटेक भी बढ़ाते जाइए, नहीं तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इससे हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये थे थोड़े बहुत टिप्स। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपको रियली वेट गेन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब पहली जो बात है हम बनाना की करेंगे। तो बनाना जो है न्यूट्रिशनली बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा आपको। तो ये वेट लॉस के लिए भी है और वेट गेन करने के लिए भी है। लेकिन वेट लॉस पे अगर बात आती है तो इसका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एक किलो में आपको 100 किलो कैलोरी मिलती है। तो आप अगर वेट लॉस पे है तो आप ये ही खाओगे, केला सुबह के मॉर्निंग में आप एक खाते हो तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप वेट गेन पे है तो आप 2 केला खाइए या फिर 3 केला खाइए, तब जाके आपको रिजल्ट मिल सकता है। दूसरी बात, अगर आप सच में अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपने ये सारे जो मैंने बताया वो भी आपने कर लिया फिर भी आपकी भूख नहीं लगती है, तो आप हाई एनर्जी डेंस फूड को एक साथ मिला लीजिए और उसकी स्मूदी बनाइए, शेक बनाइए। जैसे कि कुछ पम्पकिन सीड्स है, आलमंड से काजू है, ये सारे जो सीड्स होते हैं ये हाई एनर्जी डेंस होते हैं, तो आप इनको मिला लीजिए। और इसके साथ आप पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं वो आप उसमें डाल दीजिए। चिया सीड आप इसमें डाल सकते हैं और इनको आप ब्लेंड कर लीजिए। और जितने भी एप्रिकॉट है, वॉलनट है, जो भी जो नट्स एंड सीड्स हैं उनका इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल होता है, एक क्वान्टिटी होती है पर डे के हिसाब से, आप उतना ही लीजिए और उनको ब्लेंड करके आप हाई कैलोरी डेंस स्मूदी आप ले सकती है। और ये जो है खाने में भी टेस्टी होती है, क्रीम आप इसमें डाल सकते हैं ऊपर से। और इसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस अगर आप उसमें डालते हो तो एक जो आपकी एक कप जो स्मूदी बनेगी, एक फुल ऑफ ग्लास, थोड़ा बड़ा ग्लास रहेगा, तो वो आपको 400 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा में दे देगा। मतलब आपको कुछ ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप स्मूदी वगैरह शेक वगैरह ट्राई कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं इस टाइम। लेकिन आपको फाइबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से आपको 20-30 ग्राम जो फाइबर इंटेक है वो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपने ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी आई है या फिर कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, तो तब क्या करें? तब सिंपली आपको सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और सप्लीमेंट के साथ आपने अपना जो एक्स्ट्रा बी कॉम्प्लेक्स के जो फूड है या फिर विटामिन बी12 के जो नॉनवेज से हमें मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। वो फूड खाने से भी आपको ये मिल सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये सेफ रहता है लेने के लिए। और साथ में अगर आप बात करेंगे कि खाना डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लेता है, जैसे कि वेट गेन के लिए बोलते हैं कि बार बार खाओ लेकिन भूख क्यों नहीं लगती है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मीन्स आप सिंपली आपको पसंद है एग है, चिकन, फिश, करी, आपको ये सब पसंद है, तो ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। नॉनवेज खाना पचाने के लिए आपको 4 से 5 घंटा या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। वेयरएज अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 2 घंटे में ही आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से। तो अगर वेजिटेरियन फूड अगर ज़्यादा प्रेफर करोगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट होता जाएगा और आपको जल्दी अच्छे से भूख लगती जाएगी। और नॉन वेजिटेरियन अगर है तो आपको थोड़ा मतलब ये आपको कैलोरी तो एक्स्ट्रा में देगा, प्रोटीन भी अच्छा खासा देगा, लेकिन ये डाइजेस्ट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करेंगे चॉकलेट्स की।
दो चॉकलेट जो है इसमें, लेकिन कोशिश करें कि जो कोकोआ कंटेंट जिसमें ज़्यादा है चॉकलेट में वो खाओ तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चॉकलेट ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं लेकिन हाई कैलोरी डेंस भी होता है इसमें, और आपके ब्रेन को भी ये शार्पन करता है। तो आप ज़रूर खाइए, वेट गेन की जर्नी में आप चॉकलेट इन्जॉय कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी चॉकलेट आप जब नींद आती है, मतलब आपका जो बेड टाइम स्नैक होता है उस टाइम आप चॉकलेट खाइए, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। उसी तरह आपको बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है उस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आप सोते समय कैमोमाइल टी आप ले सकते हैं। कैमोमाइल टी पीने से आपको अच्छी नींद भी आती है और इससे आपका स्ट्रेस जो है थोड़ा रिलीफ मिलता है स्ट्रेस से। और जो आप रेगुलर मिल्क लेते हो तो आप स्किम मिल्क ना लीजिए, वो फुल फैट मिल्क आप ले सकते हैं, और या फिर कोशिश करें कि कोकोनट मिल्क या फिर आलमंड मिल्क आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये नहीं जमता है आप तो आप फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट जो है आप वो आप ले सकते हैं, पीनट बटर भी अच्छा होता है। पीनट बटर इसी में आपका पीनट बटर है, आलमंड बटर है, ये आप रेगुलरली अपने रोटी पे डाल के या फिर ब्रेड पे डाल के खा सकते हैं। लेकिन स्नैक की बात अगर करेंगे तो स्नैक में आप जो काला भुना चना है वो आप ले सकते हैं। हाई कैलोरीज जो आते हैं, मतलब पीनट चिक्की आती है या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी आप चिक्की बना सकते हैं जावेरी डालकर, और बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है। और एनर्जी बार आप ले सकते हैं, बहुत सारे मतलब रेसिपीज़ होती है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपको अपलोड करती रहूँगी। तो ये था मेरा थोड़ा लॉन्ग और लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जो आप देखते हैं कि ये खाने से आपका वेट लूज़ हो जाएगा बढ़ जाएगा, उस पे ना जाके आप परफेक्टली अपने बॉडी को एनालाइज करके आप अपना वेट गेन कीजिए और सेफली वेट गेन कीजिए, जिससे कि क्या होगा आपको वेट गेन और वेट लॉस करना ही इसके लिए है कि आपका हेल्थ इशू ना बने, आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ से जुड़ी समस्या होती है वो ना बने। आप खुद को फिट एंड फाइन और हेल्दी रखना चाहते हैं इसीलिए ना, तो आप अपने खाने में आप वैसे ही हेल्दी फूड्स का समावेश करके आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। मैंने कुछ लिस्ट बताई आपको कि जिससे रियली आपका वेट गेन हो सकता है, और कुछ और भी जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर